हे गाइस, सुपर संडे न्यूज के एपिसोड नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। और यारो, आज मेरे पास मार्वन और डीसी से लेकर के बहुत सारी अपडेट है। तो भाई स्टार्ट करते हैं मार्वन की अपडेट से। तो यारो, वीडियो को ध्यान से देखना और कहीं पर भी स्किप ना करना। तो यारो, एको सीरीज में हमें द ट्रैक माफिया गैंग फिर से दिखने वाली है, जिसको हमने देखा था हॉकाई सीरीज में। देन नेक्स्ट अपडेट है ब्लेड मूवी से, जहां पर हमें एंसा ब्लेड स्टोन ब्लेड मूवी में दिखने वाली, जिनको हमने देखा था वेयरवुल्फ बाय नाइट में। देन यारो, मार्वन एमसीयू में सेंट्री को बहुत ही जल्द इंट्रोड्यूस कराने। तो पहले तो ऐसे रूमर्स थे कि सेंट्री के ऊपर एक स्पेशल प्रेजेंटेशन बन रही है, लेकिन अब ऐसी न्यूज है कि सेंट्री हमें थंडरबोल्ट्स मूवी में दिखने वाला है। और मूवी के स्टार्टिंग में सेंट्री थंडरबोल्ट्स की टीम के साथ होगा, लेकिन बीच में ही फाइट करने का और उनके ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा, मतलब भाई उनसे ही अलग हो जाएगा। और अगर एमसीयू में सेंट्री आएगा तो यारो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि हेनरी केवन ही इसका रोल प्ले करने वाले हैं, और खासकर अब जब उनको डीसीयू से निकाल दिया गया है। देन रोडी और निक फ्यूरी हमें दिखने वाले हैं कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, और ये बिल्कुल कन्फर्म न्यूज है। और इसके बाद सैरन कार्टर आर्मर वॉर्स में दिखने वाली है, जिनको हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। और अगर अपीयरेंस की बात हो ही रही तो हमें वैन भी दिखने वाली है आयरन हार्ट सीरीज में। दोस्तों, एमसीयू की अपकमिंग सीरीज अगाथा में आब्रे प्लाजा रोल प्ले करने वाली है मॉर्गन ने का। देन यारो, ऐसे भी रूमर्स है कि हमें डेडेविन बॉर्न अगेन में आयरन फिस्ट भी दिखने वाला है, और साथ ही सैम रॉकवेन अपेयर होंगे आर्मर वॉर्स में एज अ जस्टिन हैमर। देन बात करते हैं लोकी सीजन 2 से। तो यारो, इस वीक में डिज्नी प्लस पर एक प्रोमो टाइप का रिलीज किया गया था, जहां पर हमें कुछ फुटेज दिखाई गई थी लोकी सीजन 2 से। इसकी इमेजेस आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसका मैंने ब्रेकडाउन भी किया हुआ। अगर आप लोग चाहो तो आप मेरे चैनल पर जाकर के इसका ब्रेकडाउन देख सकते हैं, क्योंकि भाई यहां से आपको स्टोरी क्या होने वाली है इसके बारे में काफी अंदाजा लगने वाला है। तो जाओ और ब्रेकडाउन देख लो। और इसी के साथ सीक्रेट इन्वेजन का सेकंड ट्रेलर यहां पर हमको देखने को मिल जाएगा जनवरी 2023 में, और साथ ही हमें सिल्वर सर्फर दिखने वाला फैंटास्टिक फोर में। लेकिन इससे पहले हमें एमसीयू में सिल्वर सर्फर की एक स्पेशल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है। और वहीं दोस्तों, एक अपडेट है जहां पर एवेंजर्स की जो नई टीम होने वाली है उसमें होने वाले हैं कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम, सूरी, एंटमैन, कैप्टन मार्वन, सैंची और सीहन। तो ये होने वाली है न्यू एवेंजर्स की टीम। लेकिन भाई, हमारे जो पुराने ओजी एवेंजर्स थे ना, उनको यहाँ पर कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। और हाँ, डेडपूल 3 मूवी में एवान पीटर्स एज क्विकसिल्वर रिटर्न होने वाले हैं, और ये भाई लगभग कंफर्म न्यूज है। और साथ ही डेडविन बॉर्न अगेन की फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट ईयर फरवरी से, जो कि चलेगी 11 महीने तक की, मतलब भाई दिसंबर तक ही चलेगी। और इसी के साथ कुछ ऐसे रूमर्स थे कि डेडपूल 3 में हमें डेडविन का कैमियो दिख सकता है। तो यहाँ पर चार्ली कॉक्स ने खुद कंफर्म कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं, और डेडपूल 3 में वो नहीं होने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों, ऐसे भी रूमर्स है कि डेमन लॉर्ड, जो कि आयरन हार्ट सीरीज का मेन विलन होने वाला है, उसका अगाथा सीरीज के लिए एक सीन शूट किया गया है, जो कि अभी सीक्रेट है और वो हमें दिखेगा लास्ट एपिसोड में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है द मार्वल्स मूवी से, जहां पर हमें नोवा का कैमियो दिखने वाला है इस मूवी में, और इसके बाद हमें नोवा पर एक स्पेशल प्रेजेंटेशन या फिर कोई सीरीज देखने को मिल सकती है, जिस पर अभी काम भी चल रहा है। और इसके बाद ह्यू जैकमैन ने ये कंफर्म कर दिया कि डेडपूल 3 में टाइम ट्रेवल के लिए एक टाइप की डिवाइस का यूज किया जाएगा, और साथ ही वंडरमैन सीरीज में टोटल 10 एपिसोड होने वाले हैं। और अभी आप जो स्क्रीन पर कॉन्सेप्ट आर्ट देख रहे हैं ना, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैड्रेस से, जहां पर ये एलुमिनाटी की टीम है और इसमें आयरन मैन भी था, जिसको यहां पर मूवी से कट कर दिया गया था, जो कि हमें दिखेगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। और यहां पर जेम्स गन ने ये कंफर्म कर दिया है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बाद हमें गार्डियंस के सभी मेंबर्स आने वाली एमसीयू की मूवीज में देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब भाई कोई तो यहाँ पर निपटने वाला है। और ये यहाँ पर लगभग क्या पूरा कंफर्म है यार। और यारो, 2023 में वाट इफ का सीजन 2 आने वाला था, बट यहाँ पर डिज्नी ने जो प्रोमो रिलीज किया है उसमें वाट इफ का सीजन 2 है ही नहीं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि 2024 में हमें वाट इफ का सीजन 2 दिखेगा थोड़े से डिले के बाद। इसके बाद दोस्तों, एक छोटी सी अपडेट है स्पाइडरमैन 4 से। तो यहाँ पर सोनी पिक्चर्स के सीईओ ने कहा है कि हमें स्पाइडरमैन की मूवी बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर उन्होंने एक बात की थी, सर्व नो वाइन बिफोर द टाइम, यानी कि भाई कोई भी जो वाइन है अगर हमको टाइम से पहले मिल जाए तो मजा नहीं आता है। देन बात करते हैं डीसी की अपडेट से। तो यारो, द फ्लैश मूवी का ट्रेलर हमें देखने को मिलेगा फरवरी 2023 में। देन द फ्लैश मूवी से एक और अपडेट है, जहां पर ऐसे कुछ रूमर्स थे कि द फ्लैश मूवी में ड्वेन जॉनसन के ब्लैक एडम का कैमियो होने वाला था, लेकिन यहां पर ड्वेन जॉनसन ने मना कर दिया था कैमियो शूट करने के लिए, ऐसी न्यूज पहले आई थी। लेकिन यहां पर कल ड्वेन जॉनसन ने खुद ही कंफर्म कर दिया है कि डीसी के स्टार्टिंग फेज में ब्लैक एडम की कोई मूवी नहीं है। तो यारो, नॉर्मल सी बात है कि अगर डीसीयू के स्टार्टिंग फेज में ब्लैक एडम की कोई मूवी होगी तो यानी कि द फ्लैश मूवी में ब्लैक एडम का कैमियो आखिर क्यों होगा, मतलब डीसी के पास फालतू पैसा तो है नहीं कि भाई फालतू खर्च करेंगे और वो ड्वेन जॉनसन को फीस देंगे, तो ये रूमर्स बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद दोस्तों, ऐसे भी कुछ रूमर्स अभी आए हैं कि शायद यहां पर जेम्स गन जोकर 2 मूवी को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर जेम्स गन ने खुद ही कंफर्म कर दिया है कि डीसीयू के जो बाहर की मूवीज जैसे कि जोकर, जोकर 1, जोकर 2, वो सारी मूवीज आती रहेंगी
DCU के नए फेस के साथ साथ, यानी कि हमें जोकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों एक्वामैन 2 का बजट होने वाला है 205 मिलियन डॉलर्स। और जो बाकी की DC की अपडेट्स थी इस वीक की, उन सब पर मैंने पहले से वीडियो बना दी। तो भाई इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि भाई आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और जाते जाते बात कर लेते अवतार द वे ऑफ वाटर की कमाई की, तो यारो इस मूवी ने अब तक की कमाई लिया वर्ल्ड वाइड अप्रोक्स 700 मिलियन डॉलर्स। बट यहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये मूवी एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। तो भाई थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मूवी थोड़ा सा डाउन हो गई है। हालांकि भाई अवतार मूवी है तो कुछ भी हो सकता है। तो यारो अगर आप लोग कभी दिन मेरी ही तरह सुपर हीरोज के लिए धड़कता है, तो यार सब्सक्राइब करके घंटे को दबा देना। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। पीस आउट।